आज सुबह सुबह गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रही होती हैं और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आखिर इतनी सुबह सुबह ये लोग क्या बातें कर सकते हैं? ये जानने के लिए आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। और तभी बुल्ली बोलता है, गुल्ली आज तो सारा काम पूरा हो गया है, अब तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचा है। तुम ही बताओ अब हम लोग क्या करें। वैसे भी मैं तो फोन चला रहा था लेकिन मेरे फोन का इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है। लगता है कि कंपनियों वालों का कुछ लफड़ा चल रहा है, तो फिर तुम मुझे कुछ आइडिया दो कि मैं अब क्या करूं। बुल्ली की बातें सुनते ही गुल्ली बोला, बुल्ली इंटरनेट तो मेरा भी नहीं चल रहा है। मैं यूट्यूब पर काम की वीडियो देखने जा रहा था लेकिन नेट ही नहीं चल रहा है। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, कंपनियों वालों का ही कुछ लफड़ा लगता है। वैसे मेरे पास कोई आइडिया है नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें सोन को बुलाना चाहिए। और वैसे भी आज संडे भी है तो वो आज पूरा दिन अपने घर पर ही होगा और हम लोगों के पास भी कुछ काम धंधा है नहीं, तो मुझे लगता है कि हमने उसे ही बुला लेना चाहिए। बैठकर गेम खेलेंगे हम लोग। इसके बाद गुल्ली चेयर से उतरता है और अपना फोन निकालकर सोन को फोन मिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद सोन फोन उठा लेता है। हेलो गुल्ली, आज तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल क्यों किया है? आज कैसे तुम्हें मेरी याद आ गई? कोई लफड़ा हो गया क्या? अरे सोन, कुछ नहीं हुआ। आज संडे है ना, तो हमें लगा कि आज हम तुम्हें अपने घर पर बुला ले। वैसे भी हमारे पास कुछ काम भी नहीं है और हम अपने घर में अकेले बैठे बैठे बोर भी हो रहे हैं, तो हमें लगा कि हम तुम्हें यहाँ पर बुला लें। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, बैठकर एक साथ गेम खेलेंगे। और वैसे भी आज इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा, तो हम लोग ऑफलाइन गेम खेलेंगे। जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद गुल्ली फोन रख देता है। क्या हुआ गुल्ली, सोन ने क्या बोला? क्या वो यहाँ पर आएगा या फिर नहीं, और कितने टाइम में वो आ जाएगा? मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे उसके साथ गेम खेलना हो, मौज करनी है। ये सुनते ही गुल्ली बोला, बुल्ली सोन हमारे यहाँ आने के लिए मान गया है लेकिन वो सिर्फ ऑफलाइन गेम ही खेलेगा। चलो जल्दी से गेट के पास चलकर खड़े हो जाते हैं, वरना वो आएगा तो हमें नहीं देखकर चला जाएगा, तो इसलिए जल्दी से चलो। और वैसे भी उसके आने के बाद हमें उसे सरप्राइज भी तो देना है, और वो सरप्राइज क्या है ये तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तो जल्दी से चलकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और सोन के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद सोन भी अपने स्कूटर से वहाँ पर आने लगता है और थोड़ी देर वो स्कूटर चलाने के बाद उनके घर के पास आने लगभग 20 सेकेंड में वो घर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद सोन स्कूटर खड़ा कर देता है और गुल्ली बुल्ली को देखने लगता है और तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और गुल्ली बुल्ली भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली लो मैं यहाँ पर आ गया, और अब तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मुझे अब शर्म आ रही है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को करने जल्दी से घर के अंदर चलो, मुझे गेम खेलने की चुल मची है। अगर मैं गेम नहीं खेला तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं यही पार्टी छोड़ दूंगा। जल्दी से घर के अंदर चलो वरना मैं तुम्हें यही पर दबा के मारूंगा। हम लोग चल रहे हैं, तुम इतने गुस्सा हो मत, जल्दी से अब हम लोग चल रहे हैं। बुल्ली जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। इसके बाद सारे लोग एक एक करके घर के अंदर जाने लगते हैं। बुल्ली गेट खोलता है और फिर तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं और फिर सोन गेट को बंद कर देता है। इसके बाद इन लोगों की मौज मस्ती चालू हो जाती है और दिन भर मौज मस्ती करते हुए इन लोगों का सारा दिन बीत जाता है। इन लोगों को गेम्स खेलते खेलते सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात भी हो जाती है, और अभी रात के 8 बज चुके हैं और अब सोन को अपने घर पर भी जाना है क्योंकि वो घर पर 7 बजे आने को बता कर आया था और अभी 8 बज चुके हैं, वो पहले ही 1 घंटा लेट हो चुका है। इसके बाद ये सारे लोग घर के बाहर आने लगते हैं। बाहर आते हुए सोन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है और बाकी पीछे गुल्ली और बुल्ली भी कम खुश नहीं नजर आ रहे। इसके बाद सोन इन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली बोलता, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने घर के बता कर आया था कि मैं 7 बजे तक घर पर आ जाऊंगा लेकिन अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। चलो मैं आज यहीं पर रुक जाता हूँ, मैं अपने घर पर फोन करके बता दूंगा कि मैं कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा घर पर, आज मैं यहाँ पर रुक कर मस्ती करूंगा। अब चलो हम लोग कहीं पर घूमने चलते हैं, पहले तुम लोग फैसला कर लो कि हमें कहाँ जगह जाना है, उसके बाद भी हम लोग मौज मस्ती करते हुए वहाँ पर चलेंगे। चलो जल्दी से फैसला करो तुम लोग। हाँ सोन, तुम ठीक कह रहे हो, हम लोग भी गेम खेलते खेलते बोर हो चुके हैं, अब हमें भी कहीं पर घूमने चलना चाहिए, लेकिन हम आधी रात को कहाँ पर घूमने जाएंगे? आधी रात को कहीं जाने का मेरा कोई आइडिया नहीं है। ये सब आइडिया गुल्ली के पास होते हैं क्योंकि वो बहुत रात को घूमने जाता है, तो मेरी राय यही है कि तुम उसी से पूछ लो। क्यों गुल्ली, बताओ हम लोगों की हमें कहाँ पर जाना चाहिए। हाँ सोन, बुल्ली ठीक कह रहा है, मुझे पता है कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले चलो कल्लू हलवाई के घर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग गरम गरम समोसे पहले खाएंगे, उसके बाद कहीं पर घूमने जाएंगे। ये लोग
बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आने लगता है। आखिर ये आदमी कौन हो सकता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। गुल्ली गुल्ली और शॉन भी उस आदमी को देखने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं, और फिर वो आदमी उन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें देखने लगता है। तभी शॉन बोलता है, चोर चोर मार चलेगी, चोर चोर गुल्ली गुल्ली देखो चोर आ गया, चोर आ गया, पकड़ो इसको, मारो वरना चोरी करके ले जाएगा सबसे, मुझे बहुत डर लग रहा है, चोर चोर। अरे सोन तुम डरो मत, ये कोई चोर नहीं है, बल्कि ये तो हमारे बहुत ही पुराने मामा है और इनका नाम है कल्लू मामा। इनसे मुलाकात हुए हमारे बहुत दिन हो गए। हाँ सोन, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है और ये कोई चोर नहीं है। ये दिखने में चोर जैसे जरूर है, लेकिन ये चोर से बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने हमें किंग ऑफ गोस्ट से बचाया था एक बार, और इन्होंने हमारे साथ मिलकर किंग ऑफ गोस्ट की पुंगी बजा के रख दी थी और उसका काम तमाम कर दिया था। वैसे क्या हुआ कल्लू मामा, आज आप यहाँ पर कैसे आ गए? आपको हमारी याद इतने दिनों बाद कैसे आ गई? और आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। ओए गुल्ली, कुछ ऐसा ही समझ लो। दरअसल मैं अपने गांव में जा रहा था और मेरे गांव का नाम है कलुआपुर। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे दिखा कि वहां पर किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया है, और वो राक्षस अपने चमचों को भी मेरे गांव में लेकर आया है, और वो लोग मेरे गांव पर हमला करके मेरे गांव के लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं। और मुझे बड़ा डर लगा और फिर मैं यहां पर भागा चला आया। मुझे लगा कि मैं यहां पर रह लूंगा, तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ दी, ताकि मैं यहीं पर रह के उन राक्षसों का जाने का इंतजार कर सकूँ। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाएंगे, मैं दोबारा से यहाँ से चला जाऊँगा, तो क्या तुम लोग मुझे अपने घर में रख सकते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है, तो कृपया मना मत कर। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है मामा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके गांव कलुआपुर से वो सारे राक्षस कुछ दिनों में नहीं गए, तो क्या आप पूरी जिंदगी हमारे यहाँ रह सकेंगे? हमारे यहाँ इतने ज्यादा पैसा नहीं है और हमारे यहाँ इतनी सुविधा भी नहीं है कि आप हमारी पूरी जिंदगी में यहीं पर रहें, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना आपका क्या होगा, कहाँ जाएंगे? हाँ मामा, गुल्ली ठीक कह रहा है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि हम आपके मदद करने आपके गाँव पे चले, हम उनसे लड़ के उन्हें यहाँ से भगा देंगे और फिर वो आपके गाँव में दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो आपकी और हमारी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बुल्ली, हम लोग ये सब करेंगे कैसे? वो सारे राक्षस तो तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, हम अकेले उनसे नहीं लड़ पाएंगे। अब हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, अकेले गए तो हम भी मारे जाएंगे। गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, अकेले जाने में खतरा बहुत ज्यादा है। चलो हम लोग बाबा के घर चलते हैं, क्या पता बाबा हमारे साथ जाने को तैयार हो जाए, और एक बार बाबा हमारे साथ जाएंगे तो वो लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। जल्दी से चलते हैं। सोन की बातें इन लोगों को ठीक लगती हैं, इसलिए ये लोग पापा के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग जीप में बैठ जाते हैं और बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है, और फिर ये सारे लोग वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। बुल्ली जीप की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा रात हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यही सोचते हुए ये लोग बहुत तेजी से पापा के घर की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद ये लोग बाबा के घर के पास वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं, और फिर ये लोग उस रास्ते से जाने लगते हैं। बुल्ली जीप की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा ज्यादा होता है, इसीलिए बुल्ली कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता। अगर जरा भी लापरवाही हो गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए वो स्लो कर देता है जीप की स्पीड को। इसके बाद बुल्ली बाबा के घर के पास गाड़ी लाकर रोक देता है, और फिर ये लोग बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बाबा को देखने लगते हैं, और बाबा भी इन लोगों को देखते ही खड़े हो जाते हैं, और फिर इन लोगों से बाबा पूछते हैं, गुल्ली गुल्ली और सोन, आज तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? पीछे कोई लफड़ा कर लिया क्या? और ये चोर जैसा आदमी कौन है? अपने साथ ऐसे चोरों को मेरे घर पर मत लाया करो, वरना मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। सीधे से निकल लो यहाँ से, या फिर सीधे सीधे बताओ क्या बात है। बाबा की बातें सुनने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं कि बाबा ये कोई चोर नहीं है, ये हमारे कल्लू मामा है, और ये दिखने में बस चोर जैसे दिखते हैं, लेकिन ये चोर नहीं है। और फिर ये लोग आगे की बातें बताने लगते हैं कि इनके गांव में एक नर्क से आए राक्षस ने कब्जा कर लिया है, और वो अपने साथियों के साथ इनके गाँव पर हमला कर रहा है, और इनके गाँव के सारे लोगों को अपना गुलाम बना चुका है, और ये किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए हैं, इन्हें आपकी मदद चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, कृपया आप इनकी मदद कर दीजिए और हमारे सारे इनके गांव कलुआपुर चलने को तैयार हो जाइए। अच्छा तो ये बात है, तभी तो इसकी शक्ल तुम लोगों से इतनी मैच करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन वो लोग संख्या में तो बहुत ज्यादा होंगे, उन लोगों से लड़ने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो चीज लेने मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग गाड़ी तैयार करो, मैं बस यूं गया और यूं आया।
perfect. बाद ये सभी लोग जीप में बैठ जाते हैं और पापा स्टाइल मारते हुए जीप के बोनट पर खड़े हो जाते हैं और फिर बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा होता है लेकिन फिर भी बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है क्योंकि कल्लू मामा का गांव कलुआपुर यहाँ से बहुत ही दूर है, जहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है जिससे ये लोग जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाएं। और बाकी लोगों को भी ये बात ठीक लगती है इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता और कल्लू मामा आसपास देखते हुए जा रहे होते हैं। इसी तरह चलते हुए लगभग 2 घंटे में ये लोग कलुआपुर पहुंच जाते हैं और फिर बुल्ली कलुआपुर वाले रास्ते पर गाड़ी घुमा देता है और फिर बहुत तेजी से जाने लगता है, लेकिन थोड़ा दूर आते ही बुल्ली को कुछ दिखाई देता है जिसकी वजह से उसे मजबूरन गाड़ी को रोकनी पड़ती है। लेकिन आखिर इसे ऐसा क्या दिख गया और फिर वो चीज को देख कर ये सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बाबा को तो गुस्सा आने लग जाता है और फिर ये लोग सामने देखते हैं। अरे ये क्या चीज है, ये तो कोई कद्दू का आदमी लग रहा है लेकिन ये जिंदा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे ये जिंदा हो गया, लग रहा है ये राक्षस की माया है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो ऐसे कई सारे राक्षस भरे पड़े हैं। तो दोस्तों क्या होगा गुल्ली बुल्ली शॉन और कल्लू मामा का, क्या बाबा इन लोगों को बचा पाएंगे या फिर बाबा भी साथ में मारे जाएंगे, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।